मिमी हो गया? कितना कैलोरी बर्न हुआ? बंद कर दे। कर दो बंद? नो। कितना कैलोरी बर्न करना चाहती हो आप? बस बेटा। चलो बस बहुत हो गया। अब कल करेंगे फिर। अब कल क्लैपिंग कर दो। अब कल करेंगे। अब कल मामा भी उतर गए, मीमी भी उतर गई। बाय बाय। बाय बाय को दे दो। आप कैसी हो? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो मिमी यहाँ नहा धो के रेडी हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों को भी बाजार जाना है और मिमी पूरे नखरे अभी जो उसके नखरे होते हैं ना, वो मम्मी के साथ अपने करवाती है, अपने नखरे सारे मम्मी से उठवाती है, क्योंकि उसको पता है मैं तो कुछ करने वाली हूँ नहीं उसके लिए। तो यहाँ मम्मा ने खाना मतलब लंच प्रिपेयर करके टेबल पे रख दिया है, क्योंकि हम लोग आज मार्केट जाने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आज सारा लंच प्रिपेयर कर लिया था मम्मी ने। तो यहाँ मम्मा ने बनाया है दाल चावल एंड आलू पोस्तो और कोरला भाजा, करेले का भाजा होता है जो प्याज के साथ मम्मी ने फ्राई करके बनाया है, और राइस के साथ हम लोग उसको खाने वाले हैं। तो मैं फटाफट से अभी लंच कर लूँगी, मम्मी मिमी को खाना खिला रही हैं, उसके बाद हम लोग को मार्केट के लिए निकलना है। उससे पहले हमारी हाउस हेल्पर आएंगी, तो वो घर को क्लीन करके हमारे सारे काम निपट चुके हैं, बस हमें खाना वाना खा के अभी मार्केट के लिए निकलना होगा। तो हाँ, आप सभी लोगों को हैप्पी रमज़ान, हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी गुड़ी पाड़वा। मैं थोड़ी सी ब्लॉग में लेट चल रही हूँ, बट जल्दी जल्दी सारे ब्लॉग्स अपग्रेड करूँगी। क्या हो रहा है? बोलो। आंटी। 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 हाय बोल दो आंटी को। तो उसकी मस्ती इस तरह से हमारी जो हाउस हेल्पर है शीतल, उसके साथ चलती ही रहती है, और आजकल उसके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई मिमी के यहाँ आने के बाद से। तभी हम मार्केट के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को नवरात्रि का बहुत सारा सामान लेकर आना है। और मैं मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर थी नहीं ना, तो लास्ट ईयर नवरात्रि में मम्मी ने ज़्यादा कुछ शॉपिंग करी नहीं थी, बट मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने मंदिर के लिए, भगवान जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हूँ और एक जैसी ड्रेसेस पहनाती हूँ। जैसे मेरे पास 2 माता रानी, एक साईं बाबा, बाल गोपाल हैं, सबकी मालाएं चेंज करती हूँ, सबकी ड्रेसेस लेकर आती हूँ नई नई। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है अच्छे अच्छे अगरबत्ती, और मतलब जैसे नॉर्मल होता है त्यौहार से पहले मन करता है ना, जैसे हम खुद सजते संवरते हैं, ऐसे मन करता है कि अपने मंदिर को भी हम सजाएं संवारें, क्योंकि देखने में तो अच्छा लगता है ना, और मन को भी बहुत शांति मिलती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए अभी इस शॉप पे आई हूँ, और इस शॉप पे काफ़ी सारा सामान और इकट्ठा काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्केट सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मीमी के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, ज़्यादा हंटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैं इस शॉप पे आती हूँ, मुझे सारा सामान एक बार में ही मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने सब जितने भी मेरे मंदिर में आइडल्स रखे हैं, सबके लिए मैंने एक ही जैसे मतलब एक ही कलर का मैं हमेशा ड्रेसेस लेती हूँ। तो अभी हम लोग बस ये सारी खरीदारी करेंगे, और कुछ चीज़ें मिमी के लिए भी ख़रीदनी है तो वो भी लेंगे। फिर आप लोगों को घर जाके मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। खुले दाओ, खुले दाओ। मम्मा सैंडल उतारो। नहीं, खुद से खोल रही थी मम्मी। अच्छा, अपने आप उतारो। पहले हमें देखते ना, हम उतार देते हैं तो खुद भी उतार देती है फिर फटाफट से। मामा खोल, दीदून दीदून खोल।
तो अभी हम लोग मार्केट से आए और आने के बाद मिमी सो गई थी, बहुत टायर्ड हो गई थी आज। उसको मार्केट जाने की वजह से सोने नहीं दिया था बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट फिर वो उठती है लेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और यहाँ पे बहुत भीड़ है मार्केट में। इतने में ही वो हाथ छुड़ा के जाने को तैयार थी, उसको आदत तो रियाद वाली पड़ी हुई है ना, तो वहां पे भी अपने हिसाब से घूमती रहती थी। लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रीट शॉपिंग जो करते हैं उसमें हम इसको छोड़ तो सकते नहीं है, तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी बट बहुत टायर्ड हो गई है तो अभी सो रही है। और मेरे कुछ ये अमेजोन से पैकेट आए थे तो मैंने सोचा कि अभी इनको भी खोल के देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या रखा है। अभी ये देख लेते हैं, मैंने कुछ दो टॉप और दो पजामीज ऑर्डर करी थी अपने घर पे पहनने के लिए, तो वो खोल लेते हैं। एक मैंने मार्केट जाने से पहले ये वाली मैंने ट्राई करने के पर्पज से मैंने पहन ली और मुझे अच्छी लगी तो मैं ये पहन के आज मार्केट चली गई थी, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और मार्केट से मैं क्या क्या लेकर आई वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और आने के बाद ही सबसे ज़्यादा चाय की ज़रूरत थी और मैंने बाल अपने फोल्ड करे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा वेदर चेंज हो गया है यहाँ पे। और मम्मी बना के लेकर आ गई हैं चाय, तो अभी हम चाय पियेंगे और उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को शॉपिंग भी दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या करके लेकर आई हूँ। तो चलिए सो वॉइस थोड़ा कम हो रहा था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। मैंने ये टॉप जो है अमेज़ॉन से मंगवाया था तो ये साइज़ में थोड़ा सा क्या मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा, लेकिन मुझे लगा कि कभी कभी ना इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं घर में, थोड़े खुले खुले कपड़े पहनते हैं तो वैसे तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ बट फिर भी मैंने सोचा इसको अभी क्या एक्सचेंज करना। मम्मी तो कह रही थी कि इस टॉप को एक्सचेंज कर देते हैं, बट ये वाला टॉप का जो दूसरा वाला मैंने भी खोला है इसका साइज़ ठीक था तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और उसका मैं देखती हूँ कि रिटर्न करना है कि मुझे रखना है, वो देखते हैं। देन साथ में मैंने दो ये पजामीज ऑर्डर करी थी, घर में ना थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनो ना तो अच्छा लगता है और सारे दिन मतलब अच्छे कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के भी ना कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होता है। तो दो पजामी मैंने ऑर्डर करी थी, तीन टॉप मैंने ऑर्डर करी थी और ये एक टॉप जो ब्लैक वाला मैंने पहना हुआ है वो अभी नया ही है, वो आज ही आया था तो मैंने सोचा एक बार इसको पहन के देखा तो अच्छा लगा तो मैं पहन के मार्केट ही चली गई थी। तो ये बस मेरी अमेज़ॉन से शॉपिंग थी। तो टॉप का साइज़ जो इतना बड़ा आ गया तो उससे थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया इसी वजह से, बस और कुछ नहीं। और ये मैं मिमी की कुछ शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, गर्मियाँ हैं तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत ख़रीदारी मैंने मिमी के लिए करी। एक ये नाइट सूट ख़रीदा है जो कि रात पे पहनाने के लिए मिमी के लिए लिया है। एक ये हौजरी के और कॉटन मिक्स की ये मैंने फ्रॉक ली है जो कि घर पे पहनाने के लिए ली है, नहा धो के मतलब अच्छे से ढीले ढाले कपड़े मिमी को आजकल ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। और दो फ्रॉक मम्मी की तरफ से मम्मा ने दिलाए, ये दो फ्रॉक अच्छे क्वालिटी के थे, एक ये ब्लू कलर का जो अभी मैंने खोला था वो वाला, देन ये एक मतलब ऑक्सी एक्वा ब्लू कलर का ये जो ये वाला फ्रॉक है, ये दो फ्रॉक मम्मी को मम्मा ने दिलाए हैं तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। साथ ही मैंने ये सेट ले लिया था उसकी एक्टिविटीज़ के लिए तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके एक्टिविटीज के लिए है ये, ऐसे करके पिज्जा बनाया हुआ ना, हाँ तो ये एक्टिविटीज करेगी, सॉस लगाएगी, ड्रिंक करेगी इसमें। अच्छा बर्गर है ये, तो ये चाकू है, पिज्जा को कट करेगी। वहाँ करा था इसने, कोको मेलन फार्म गए थे ना हम लोग, कोको मेलन फार्म में किया था इसने ऐसे, तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये देखो जैसे नहीं, ये वाटर मेलन है ना, वाटर मेलन एप्पल, फिर ये मेलन है शायद, नहीं ऑरेंज है ये, और ये लेमन है, बनाना, इन सबको कट करेगी। ये कट जाएगा इसमें ना, ये चिट से लगे हुए होते हैं। अच्छा कटता गया, वो बीच में से ऐसे बच्चे खेलते हैं झूठ मूठ के। हाँ अच्छा, कट ले तो जैसे कि वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें एक्टिविटीज है, 3+ होती है। अब थोड़ा सा मिमी अब समझने लगी ना तो अब थोड़ा थोड़ा चाहिए। टेबल नहीं इसका, इसका टेबल जो है उसको निकाल देना टेबल को, और चेयर उसके ऊपर इसको देना, ये करेगी बैठ के। थोड़ा सा इसका दिमाग ना ये बहुत ज्यादा शैतानी में रहता है। और एक ये साथ में ये जो मैट टाइप नहीं है ये वाला, ये नहीं ना, ये भी है, ABCD भी है और इस टाइप का भी है, 4, 5, 6 नंबर्स भी है। तो ऐसे सीख जाती है सब जल्दी। हाँ इसमें सिखाएंगे ना इसको, ए बी सी ऐसे करके सिखाएंगे तो सीख जाएगी। हिंदी वर्णमाला भी है इसमें, नंबर्स भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये थी सारी शॉपिंग। और वो दिखाना मम्मी मैक्सी,
भाई बहुत सारी मैक्सी भी होता है कि कोमटा खुले रखने को डाल देते हैं। आप कितने भी अच्छे कपड़े ले लो बट आपको अगर मैक्सी दिख जाए ना तो फिर मैंने देखा है मेरी मम्मा का तो ना खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो मम्मी ने फटाफट से ये मैक्सी ट्राई कर ली, देखा कि कैसा लग रहा है और सच में मेरी मम्मा बहुत क्यूट सी लग रही है इज़न्ट इट। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा मम्मा को ये वाली मैक्सी अच्छी लगी तो, और मैंने भी साथ में एक ये मैक्सी ट्राई कर ली। वैसे मैं बहुत कम मैक्सी पहनती हूँ बट गर्मियों में ये कम्फर्टेबल बहुत रहती हैं। पिज्जा बनाओ, पिज्जा बनाओ, पिज्जा बनाओ, हेलो तो बाद में करना, पिज्जा बनाओ पहले, पिज्जा बनिए काटो काटो, पिज्जा कोई पिज्जा, पिज्जा बनाओ, पिज्जा कहाँ है, पिज्जा कहाँ है, पिज्जा पिज्जा, वेयर इज योर पिज्जा, पता है उसको, उसकी मस्ती ही खत्म नहीं होती कभी भी। पिज्जा काट, पिज्जा बनाओ, पिज्जा काट के बेटे को दो, सॉस लगाओ, सॉस लगाओ, सॉस कहाँ है, ये रखे चब, वाओ पिज्जा बनाओ, चलो या कट करो, वाओ मिमी मुझे एक पीस देना, हाँ मुझे खाने के लिए एक पीस देना, इसमें देना, इसमें इस प्लेट में देना, वन पीस ओनली, हाँ आई वांट ओनली वन पीस पिज्जा, ओके हाँ इसमें दे दो, इसमें दे दो, हमें तो जानी ना उठा प्लेट, हमें अब प्लेट दे, हाँ उसमें मुझे एक पीस दे दो, कांटा कांटा से, हाँ कांटा ये रहा, कांटा कांटा किसने सिखा दिया इसको, हाँ कांटा पिज्जा का पीस तो दो, आवाज बाहर ही देखे छोटा क्या, कांटा पड़े, कांटा पड़े एकुन आगे दिए दाओ तुम पिज्जा टा, मैं कांटा कांटा हो जाए, थैंक यू मिमी। सो गाइज आज है नेक्स्ट डे और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं अभी नहा धोकर आ गई हूँ मंदिर में और जो मंदिर के लिए मतलब भगवान जी के लिए जितना सारा सामान लेकर आई थी वो सब आपको शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि आने के बाद मम्मी ने इनको सबको मंदिर में रख दिया था। तो मैंने बताया था मैं कुछ भगवान जी की चीज़ें लेकर, मंदिर की कुछ चीज़ें लेकर आने वाली थी, तो मैं वही सबकी ड्रेसेस लेकर आई थी, जितने भी मैं आइडल्स जो कि मंदिर में रखती हूँ सबकी एक जैसी एक ही कलर की ड्रेसेस लेकर आई थी। फिर मंदिर में बिछाने के लिए आसन लेकर आई थी और माता रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी लेकर आई थी। तो आसन इस बार मुझे बहुत अच्छी कलर की मिली, डिफरेंट थी, हमेशा हम लोग जब भी मंदिर में बिछाते हैं आसन रेड कलर की बिछाते हैं बट मैं इस बार थोड़ी पिंक मजेंटा कलर की आसन लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो काम करने वाली हूँ, मैंने जितने भी मंदिर में भगवान जी रखे हुए हैं सब निकाल के अच्छे से मंदिर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। मेरी मम्मी अर्थराइटिस की पेशेंट हैं तो वो इतना नीचे बैठ नहीं सकती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है उनके पैरों में और पापा को भी नहीं झुका जाता ना बैठा जाता है ज़्यादा, तो मैं इसलिए अच्छे से मंदिर को डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया है, देन मैंने गीले कपड़े से अच्छे से मंदिर को क्लीन कर लिया है और नवरात्रि का टाइम है और अच्छे से क्लीनिंग नहीं करूँगी तो फिर मेरा मन भी नहीं मानेगा। तो सारे जितने भी मैंने भगवान जी थे सब कुछ मैंने अच्छे से निकाल के क्लीनिंग करके देन अच्छे से उनको पहुँच के दोबारा से सारा आसन बिछा के मैंने दोबारा से आज पूरा मंदिर सेट किया और इसकी लाइट्स भी निकल रही है मंदिर की जो कि मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुला के करवाना था बट टाइम ही नहीं मिला। मिमी के साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है टाइम, तो मैं दोबारा से फिर वो पहले सबसे पहले मैं अभी भी रेड कलर का ही आसन बिछाऊंगी क्योंकि शुरू से ही मैंने हमारे मंदिर में रेड कलर का ही आसन देखा है, तो अभी भी मैं रेड कलर का ही आसन सबसे पहले बिछाऊंगी बट उसके ऊपर मैंने ये वेलवेट कलर का जो ये आसन वेलवेट टाइप का जो आसन मुझे नया मिला तो मैं वो लेकर आई, तो मैंने वो बिछाया है और बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा था मेरा। मैं मंदिर को अपने हिसाब से जब डेकोरेट करती हूँ, सब आइडल्स की मालाएं चेंज करती हूँ, सब आइडल को जितने भी मंदिर में तस्वीरें हैं भगवान जी हैं सब जब मैं अपने हिसाब से उनको सजाती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आप लोग भी बताइएगा मेरा मंदिर कैसा लग रहा है रेडी होने के बाद में। तो मैंने जितने भी मेरे मंदिर में प्रतिमा हैं हमारे में जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं उन्हें प्रतिमा बोलते हैं, तो जितने भी प्रतिमा हैं सबकी ड्रेसेस मैंने चेंज कर दी हैं और सबको मैंने येलो कलर पहनाया है और साथ ही में उनके कपड़ों में भी कंट्रास्ट में मजेंटा कलर आ रहा है जिस कलर का मैंने ये आसन बिछाया है, तो मैंने सोचा था थोड़ा सा कंट्रास्ट हो जाएगा तो सुंदर लगेगा और सच में मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग भी बताना कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है।
तो यहाँ बाल गोपाल, साईं बाबा, माता रानी सबको मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है। इसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। मैं और मम्मा दोनों ही ठीक टाइम पे नहा धो के रेडी हो चुके थे, बट मिमी अभी सो रही है। हम लोग का यही प्लान था कि मिमी सोती रहेगी और हम लोग फटाफट से पूजा कर लेंगे, क्योंकि पूजा एक ऐसी चीज़ है ना जो थोड़ी शांति में करनी अच्छी लगती है। फिर मिमी नहीं तो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाती है और हर चीज़ छेड़ती है। तो अभी हम लोग सारा ये मंदिर सेट करने के बाद अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे नवरात्रि की फर्स्ट डे की। तो साथ ही मैं यहाँ पे एक लेकर आई थी इतर, जो कि मैंने सोचा था कि अच्छी खुशबू आएगी, क्योंकि मुझे भी परफ्यूम लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं भगवान जी के लिए भी इत्र लेकर आई हूँ और उनके कपड़ों में भी मैं इत्र लगाने वाली हूँ। होप सो उनको भी पसंद आए, साई बाबा, माता रानी सबको पसंद आए जो मैं ये, और ये है भी उसका रजनीगंधा का इतर है, तो मुझे रजनीगंधा स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने चुनरी चढ़ा दी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है नवरात्रि की पूजा में। हाँ, मैं नारियल नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि नारियल अगर एक बार आपने चढ़ाया तो फिर वो हर नवरात्रि आपको करने ही पड़ते हैं। नारियल का बहुत मतलब स्ट्रांग नियम होता है, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए जितना से होता है मैं उतना ही करती हूँ। पवित्र गंगा के स्नान से अंतकरण हो जाए, पवित्र जगदम्बा के ध्यान से सर्व मंगल मंगल्ये, शिवे सर्वांध साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नमो 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 नमस्ते पार्वती तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया चांदी ना सोना। मिमी गुड मॉर्निंग, हमने पूजा कर ली आपके निन्नू करते करते। जय माता दी। मिमी गुड मॉर्निंग बाबू। अबू आओ। अबी कम, अबी कम कम ये कम। अबी बोनू को गुड मॉर्निंग करो, बोनू को गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो बोनू को करो। हाँ गुड मॉर्निंग करो, ऐसे थोड़ी होता है। कम कम अरे अरे गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया कि मिमी सो रही थी जब हम लोग पूजा कर रहे थे, तो हलचल से, आवाज़ से वो भी उठ गई है। फिर उसको हम लोगों ने रेडी किया। माता रानी का दिन है और हमारी माता रानी हमारी मिमी है, तो इसको हम लोगों ने नहला धुला के मैंने इसको एथनिक इंडियन वेयर पहना दिया है, जिससे कि फील आए कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। और मिमी को मैंने बिल्कुल एकदम ना राजस्थानी ड्रेस पहना के रेडी कर दिया है। ये कुछ ड्रेस जो लास्ट ईयर हम लोग जयपुर गए थे तब मैं वहाँ से कुछ लेकर आई थी इंडियन वेयर, तो वही सभी ड्रेसेस अभी भी चल रही हैं, क्योंकि मैं तब जब बहुत छोटी सी थी और तब उसको इतने अच्छे नहीं आते थे ये ड्रेसेस, बट अब इसके ऊपर बहुत सूट करते हैं।
तो कुछ फोटोग्राफ्स भी ली थी मैंने, बट इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है यहाँ के बिल्कुल किसी इन सब चीज़ों में टाइम स्पेंड करने का। तो मैं कुछ फोटोज़ यहीं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस अभी मिमी पूजा कर लेगी, एंड मैंने जो कल ड्रेस लाया था ना ये ब्लैक कलर का, वही वाली ड्रेस मैंने अभी उसको चेंज करके ये वाली ड्रेस पहना दी है, एंड नाउ शी इज़ लुकिंग हर सेल्फ इन मिरर। तो इतनी त्रा रही है अपने आप को देख के मिरर में कि बस मैं क्या बताऊँ। तो ये मिमी बहुत नॉटी हो चुकी है जब से यहाँ इंडिया आई है मामा के साथ मिलके। करते करते दिन का पता ही नहीं चला मिमी की हरकतें और ये सब करते करते कब टाइम निकल गया और शाम की धूप बत्ती करने का टाइम भी हो गया है। तो अभी मैं अच्छे से शाम की संध्या वाती कर दूंगी, देन मिमी सुबह तो हम लोगों के साथ पूजा नहीं कर पाई थी ना, तो अभी हम लोग उसको यहाँ पे ही बिठाया हुआ था, तो जिस तरह से मैं पूजा कर रही थी ठीक उसी तरह से उसको भी करनी होती है मुझे देख देख के। क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम। किसने दिया? दादू ने दिया। अच्छा है। और हाँ आप लोग एक बात बताऊं, देवजीत की भी बहुत अच्छी रही आज नवरात्रि का पहला दिन। वहाँ पे जो देवजीत के फ्रेंड हैं वो बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, तो उगाड़ी करके उनके यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, जैसे कि गुड़ी पाड़वा, जैसे कि नवरात्रि होते हैं, जैसे कि रमज़ान चल रहा है वैसे उगाड़ी था। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और सारा वेज रेसिपीज़, उनकी वाइफ आई हुई है रियाद में अभी बेंगलोर से, तो सारी वेज रेसिपीज़ कुक करी थी उन्होंने, तो देवजीत को बुलाया था, तो देवजीत का टाइम भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बीता। तो कुछ फ़ोटोज़ मैं रियाद की और कुछ फ़ोटोज़ मिमी की मैं यहाँ अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा हमारे नवरात्रि का पहला दिन। कुछ वीडियोस में थोड़ी सी मैं डिले चल रही हूँ, बट मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करने की आगे जाके पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए गाइस नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ नई शुरुआत के साथ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए और मेरे व्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। ओके बाय बाय, टाटा टेक केयर, बाय बाय। अच्छा उधर कोई बैठा नहीं चटनी चटनी अच्छा एक बार फिर से बोलो आधा मैंने बनाया ठीक है।